नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने राप्ती नदी के दोनों छठ घाटों का बोट से निरीक्षण किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में दिवाली से पहले बाढ़ आया था, जिसकी वजह से घाट की सीढ़ियां पूरी तरह से मिट्टी से भर गई थी। उनको हटाकर घाट को साफ सफाई करवाया गया है, जिससे लोग छठ पूजा कर सके। सभी घाटों पर सौहार्दपूर्ण तरीके से छठ पूजा मनाया जा रहा है। घाट पर सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन लगाया गया है। छठ घाट पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं और पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय का भी प्रबंध किया गया है। यदि किसी को मेडिकल की आवश्यकता होती है तो यहां पर मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया है, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की समस्या ना हो। इसके अलावा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो कि लोगों को आने जाने में मदद कर रहे हैं। नगर निगम के द्वारा महानगर में 211 छठ घाट बनाया गया है। सभी घाटों पर सभी तरह की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, सीएमओ साहब की तरफ से हम लोगों ने मेडिकल कैंप लगवाया हुआ है। सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ जो वॉलंटियर्स हैं, वो कुछ लोग अपनी जल पुलिस के माध्यम से, कुछ लोग ग्राउंड पर रहकर, इसमें आप देख रहे हो कि लगभग जो घाटों में 30 से 35 हज़ार की भीड़ की जो श्रद्धालु भक्तजन वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा जो 151 से लेकर 211 के बीच में उसको छठ पतियों ने सुसज्जित कराया है, वहाँ पर भी लोग पूजा कर रहे हैं। लगभग 4 लाख से लेकर 5 लाख के बीच के छठ प्रति नगर निगम के सभी समस्त जो छठ घाट हैं, वहाँ पर जाकर अपने परिवार के साथ देखिए, जैसा आपके भी संज्ञान में है कि जब अभी दिवाली के समय कुछ समय पूर्व बड़ी भीषण बाढ़ अपने जनपद में आई थी, पूरे प्रदेश स्तर पे आई थी, और उस बाढ़ की वजह से जितनी भी हमारी जो सीढ़ियाँ थी घाट की, वो सीढ़ से गाद से पूरी तरह से भर गई थी। उनको हटाकर पूजा के योग्य बना पाना बहुत ही चुनौती का काम था, लेकिन नगर निगम ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोगों ने लगातार इस पर काम करके पूरी तरह से इसको पूजा के योग्य बनाया है। और आज आप देख रहे हैं इन तीनों घाटों पे लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में लोग जो हैं वो पूजा यहाँ कर रहे हैं। इस बार की जो पूजा है हम लोगों ने जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में मना रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पे हमने पूरी तरह से यहाँ पे बैन लगा रखा है, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ माध्यम से जो यहाँ पर LCD लगाई गई है, उसके माध्यम से हम लगातार लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक कर रहे हैं। पीने का स्वच्छ पानी, स्वच्छ शौचालय, अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ मेडिकल कैंप लगा हुआ है। जो हमारे सिविल डिफेंस के, जो NDRF के, NSS के जो वॉलंटियर्स हैं, वो हमारे इस यहाँ पर अनुशासन बनाए रखने में, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसको हेल्प करने में सब लोग लगे हुए हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे नगर निगम के क्षेत्र में जो हमारे लगभग 211 के करीब जो हमारे घाट हैं, उन घाटों पर लगभग 4 से 5 लाख के बीच में जो श्रद्धालु हैं, इस वक्त डूबते हुए सूर्य भगवान को अपने अर्घ दे रहे हैं और भगवान से अपनी मनौती मांग रहे हैं। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक पर्व है, जो कि पूरी उल्लास और उमंग के साथ संपन्न हो रहा है।